सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई है। तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाले हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो पोस्ट डिटेल जानते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ वैकेंसीज दिए गए वेलफेयर ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, जहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर के लिए टोटल यहाँ पोस्ट है एक, जहाँ अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ 15 पोस्ट अवेलेबल है, जहाँ अनरिजर्व के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर सैलरी इस प्रकार होने वाली है, जहाँ वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ पर 29,740 से 1,03,000 तक की सैलरी होने वाली है। इसके अतिरिक्त जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ 31,540 से 77,160 तक की सैलरी आपकी होने वाली है। एज लिमिट के बारे में यहाँ बात करें, वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ 30 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके अतिरिक्त जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ 28 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होंगे, जहाँ ओबीसी को 3 साल के, पीडब्ल्यूडी को 10 साल के, एक्स सर्विसमैन को 3 साल के और एसटी एससी को 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन फी आपको यहाँ क्या देना है। तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये का, और एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप जो होंगे उनको 200 रुपये का एप्लीकेशन फी देना होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिए जाएंगे। यहाँ ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत में आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा होने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 घंटे का पेपर देना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ 120 मार्क के लिए आपको आंसर करना होगा। इसके अतिरिक्त जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत में पेपर आपके होने वाले हैं, जहाँ 2 घंटे के आपके पेपर होंगे, 200 मार्क के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जो महाराष्ट्र बोर्ड के अंतर्गत में होना चाहिए। इसके जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क के साथ में, और उसके साथ में आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद में फोटोग्राफ के साथ में सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट का बटन दबा देना है। इसके बाद में एप्लीकेशन फी पे करना है। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप एप्लीकेशन फी पे करें। एप्लीकेशन फी पे करने के बाद में सामने जो डिटेल दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लें, जो एडमिट कार्ड निकालते वक्त आपके काम आने वाले हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट 10 अक्टूबर 2022 के पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।